हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस। आप सबको पता है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चंस कल के सेशन में कराए थे, और आज फिर आपके लिए यहाँ पे 50 सवाल आने जा रहे हैं फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है। चाहे आप UPSI की तैयारी करो या ASI की तैयारी करो, या फिर आने वाला आपका RO AR का एग्जाम है उसके लिए आप तैयार करो। दिस इज फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको आज सॉल्व करने हैं। क्लासेस की PDF यहाँ टेलीग्राम पे मिलती है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। SSC का फाउंडेशन बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जरा सवालों की तरफ चलेंगे, एंड आई होप ऑल आर गुड टू गो। सेशन को एक बार अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दिया करिए, ताकि वो भी इस सेशन के साथ में कनेक्ट हो पाए। आइए पहला सवाल। कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश कितने अवधि के लिए प्रभावी होगा? तो यहाँ पे कितना टाइम होता है, 6 वीक्स आपको टाइम देखने को मिलेगा। चाहे हम गवर्नर की बात कर लें, चाहे हम प्रेसिडेंट की बात कर लें, दोनों लोगों के पास में अध्यादेश की शक्ति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि अध्यादेश की शक्ति, तो जब हम गवर्नर बोलते हैं तो उनके पास में पावर जो होती है वो भी 6 वीक की होगी, और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो भी आपको 6 वीक ही मिलती है। ठीक है, अगला, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसका सुपरविजन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कौन से आर्टिकल में आएगा? तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये पंचायत के चुनाव को भी करवाती है। आर्टिकल नंबर कितना होगा? 243 K होगा। भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो आर्टिकल नंबर कितना होगा? 324। अगला, कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज के लिए दिया गया है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर तो 73 है, और अगर हम नगर पालिका की बात करें तो 74 है। दोनों का जो ईयर है वो 1992 है, और भारत में लागू होता है 1993 में। अगला, कैबिनेट सचिवालय का प्रभारी कौन होता है, यानी कि इंचार्ज कौन होगा? तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये इसको इंचार्ज करता है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको बताना है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो उसे मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसी को हम इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगला, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए दिया गया है, यानी कि राज्य नीति और निर्देश तत्व इनके लिए कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 36 से 51। ये जो DPSP है इसको आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है? स्पेन से लिया है। ये नॉन जस्टिसेबल होता है, मतलब इसके ऊपर आपको न्याय नहीं दिया जा सकता, और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 है। अगर हम भाग की बात करें, अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट नंबर 4 है। B.R. अंबेडकर जी ने DPSP को किस रूप में वर्णित किया है? तो ये क्या है? नोबल फीचर्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हर राज्य को अपने आप को कल्याणकारी रूप में देखने के लिए। अगला, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं हमारे संविधान के अंदर, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ से आए हैं। तो पहली चीज, ये USSR से आए हैं, पार्ट नंबर 4A के अंदर है। अगर आर्टिकल पूछा जाए तो 51A हो जाएगा। और ये कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन आपको देखने को मिल रही है? तो आर्टिकल नंबर 39A से इंस्पिरेशन मिलेगी। अगला, DPSP के अंदर जो कार्यपालिका है उसे न्यायपालिका से अलग करना चाहिए, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो ये आर्टिकल नंबर 50 के अंदर दिया हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की स्थापना 1987 में की जाती है। आपको बताना है यहाँ पर कि इसको इफेक्ट में जब लाया गया तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? तो ये USSR से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था। अगला सवाल, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि PM की नियुक्ति और साथ ही साथ बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति के साथ में जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 75 आपको देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा कि इनका अपॉइंटमेंट होता है, कभी भी इनके लिए इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, इसी तरीके से गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट होता है, या अगर मान लो कि कभी क्वेश्चन में आ गया इलेक्शन ऑफ द PM, है ना, तो समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है लोकसभा के चुनाव के बारे में। अगला सवाल बताइए, कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 78 जो है
कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में ब्रिज के रूप में काम कौन करता है, पीएम काम करते हैं। ये कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में दिया गया, आर्टिकल नंबर 78 के अंदर। अगला सुनिएगा सवाल, कहा जा रहा है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, कहा जा रहा है टोटल नंबर कितना होना चाहिए मिनिस्टर्स की, कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका 15% होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए संविधान में संशोधन कौन सा है, तो अमेंडमेंट नंबर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला, भारत के अंदर प्रधानमंत्री कार्यकाल में तब तक बना रह सकता है जब तक उसके पास में क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। कहां पे, लोकसभा के अंदर, यानी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है कहां, लोकसभा के अंदर, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो पीएम को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला, अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, पावर आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ, अगर यूनिटरी पावर है, देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तो यूनिटरी पावर होता है और एक आपको फेडरल पावर मिलेगा। फेडरल पावर का मतलब क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। यूनिटरी का मतलब क्या हो गया, कि सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हैं। तो अगर यूनिटरी है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर आ जाती है। अगला, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु या उम्र होनी चाहिए, तो मिनिमम इज 75। अगला, भारत के अंदर कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है जब वो अपने कार्यकाल में थे, तो कितने हो जाएंगे, 3। अब वो 3 कौन से थे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मुझे पता है इंदिरा गांधी जी का नाम तो आप फटाक से लिख देंगे और राजीव गांधी जी का भी नाम आप फटाक से लिख देंगे, बट बाकी आपको एक नाम और बताना है, ठीक है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 2019 के टाइम पर आपको बताना है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये फंडामेंटल राइट के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या है यहाँ पे, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर हम 101 की बात करेंगे तो ये तो हो गया अपना जीएसटी, सबको पता है। टोटल अभी कितने हो चुके हैं, 106। ये किसके लिए हुआ है, महिलाओं के लिए आरक्षण 33% आपको मिलेगा। अगला, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किसके पास में होती है, राज्यपाल के पास में आपको देखने को मिलेगी, तो आर्टिकल नंबर 154 के अंदर है। और अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 155 है। किस राज्य के नागरिक सेवाओं के सदस्य या राज्य के तहत नागरिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति आनंद के दौरान कार्य में रहते हैं, यानी कि प्लेजर, किसका प्लेजर मैटर करता है, तो स्टेट की बात हुई है तो गवर्नर हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पर संसद की बात होती, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट की बात होती, तो यहाँ पर आंसर प्रेसिडेंट हो जाता, राष्ट्रपति देखने को आपको मिलता, ठीक है। अगला सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, यानी कि गवर्नर के पास में ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल में दी गई है। अगर हम बात करें किसकी, राष्ट्रपति की, तो ये किस में हो जाएगी, 1, 2, 3 में है, लेकिन अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो 2, 1, 3 के अंदर है। अगला है कैग, आपको बताना है कि कैग जो होता है ये क्या काम करता है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार का जितना भी फाइनेंस होता है उनकी ऑडिट करने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, कैग की होती है। अगला, क्वालिफिकेशन क्या होती है कैग के लिए, तो सिंपल है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हों, या फिर 10 सालों के लिए उन्होंने लीगल फील्ड में काम किया हो, किसके साथ में, किसी के साथ में, मतलब सेंट्रल लेवल पर उन्होंने काम किया हो, उनको यहाँ पे इस पोस्ट पे बैठाया जाता है। अगला, कैग की अगर बात की जाती है, हैज बीन क्रेडिटेड इन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि ये किसके अंदर आएगा, एक संवैधानिक इकाई है, आर्टिकल नंबर 148 के अंदर कैग को रखा गया। प्रेजेंट टाइम में कौन है, जीसी मुर्मू जी आपको प्रेजेंट टाइम में कैग की पोस्ट पर देखने को मिलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हैं, ओके, अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, यानी कि एडवोकेट जनरल की बात हो रही है, तो आर्टिकल नंबर 165 होगा। इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा होगा, लेकिन अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ओके। अगला सवाल, भारत के संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कितने लोगों ने साइन किए थे, तो 284, जिसमें से आप देखेंगे तो आपको 15 महिलाएं भी देखने को मिलेंगी, कितनी, 15 विमेंस। अगला,
भारतीय संविधान बनाने की अवधि क्या थी, मतलब टोटल ड्यूरेशन कितना देखने को मिला, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। अगला, कहा जा रहा है आपसे, किसने कहा है कि संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सेट इन द राइट मोल्ड ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का विभाजन कर देती है ना, शक्तियों को राज्यों के साथ में बांट देती है, तो इसे हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये किसने कहा था, एके अय्यर जी के द्वारा बोला गया था। अगला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री, यानी कि संसदीय प्रणाली जो है कौन से देश में सबसे पहली बार लाई गई थी, तो सबसे पहली बार ब्रिटेन के अंदर। हमारे यहाँ पे भी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमारे यहाँ पे भी जो सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से ही इसको लिया जाता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर, ध्यान दीजिएगा कि इसी के अंदर आपको रूल ऑफ लॉ भी देखने को मिलता है, और ये आर्टिकल कौन सा है, 14 है। कहा जा रहा है कि कानून के समक्ष समानता, ये जो फेज है ये कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। आइडिया ऑफ कंकरेंट डिक्स, समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची कहाँ से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। समवर्ती सूची के अंदर अगर देखा जाए तो कितने आपको विषय मिलेंगे, 52, जैसे कि एजुकेशन है, मैरिज है, शादी है, डाइवोर्स है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलती हैं समवर्ती सूची के अंदर। अगला, कहा जा रहा है, हाउ मेनी डेज ऑफ द एब्सेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट्री विदाउट द परमिशन एमपी भी डिस्क्वालिफाइड, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी सदस्य ऐसा है जो कि संसद यानी कि पार्लियामेंट का सदस्य है लेकिन वो बिना बताए गायब है, तो कितने दिनों तक उसकी सदस्यता रहेगी, उसके बाद हट जाएगी, तो यहाँ पे 60 दिनों का समय दिया जाता है। अगर उन्होंने किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला, कहा जा रहा है आपसे कि ये बताइए, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉल्यूशन फ्री वाटर की बात कही गई थी, आपको बताना है कि ये किसके अंदर आएगा, तो ये आएगा आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 आपको आपका जीवन जीने का आपकी तरीके से अधिकार प्राप्त होता है। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर UCC कहां पर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये सुर्खियों में रहा है, इसको अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर लागू भी किया गया है, तो ये कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल नंबर 44 हो जाएगा। अगला, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अगला, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, तो ये किसमें आएगा, आर्टिकल नंबर 143 में, कई बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है, एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट जिसके ऊपर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 249 के अंदर ये पावर प्रोवाइड की गई है। अगला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 323 कैपिटल ए है। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जब हम बात करते हैं तो 338 और 338 ए, ये दोनों आर्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। अगला, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद दिए गए, तो 29 है। वैसे 30 आप देखोगे तो 30 भी आपको देखने को मिलता है। अगला, कौन सा ऐसा शेड्यूल है, अनुसूची है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द अलॉटमेंट ऑफ द सीट, यानी कि राज्यसभा के अंदर जितनी सीटें हैं, अब इसमें कौन से राज्य से कितनी सीटें आएंगी, इसके लिए कौन सी अनुसूची दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया। अगला सवाल था, लेजिस्लेचर स्टेट एनरिच इन विच ऑफ द आर्टिकल नंबर, तो ये किसमें आएगा, 168 में, लेकिन जो विधान परिषद है इसको बनाना और इसको हटाना, ये दोनों चीजें आर्टिकल नंबर 169 के अंदर मेंशन की गई हैं। हमारा जो संविधान है वो कितने भागों में विभाजित है, तो ये टोटल आपको 22 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला, ये आर्टिकल मैंने अभी आपको बता ही दिया। अगला देखिएगा, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, तो आर्टिकल नंबर 51 ए है, और इसमें टोटल आपको 11 ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, हाईकोर्ट के अंदर अगर आपको रिट जारी करनी है तो कौन से अनुच्छेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आर्टिकल नंबर
226 है, लेकिन यही चीज अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो आर्टिकल नंबर 32 हो जाएगा। किसके लिए? रिट्स के लिए। रिट्स कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की आपको रिट्स देखने को मिलती है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल को राज्य विधायिका के अवकाश, ये मैंने आपको अभी बताई दिया, आर्टिकल नंबर 213 होगा ऑर्डिनेंस के लिए। अगला, हिंदी एज अ देवनागरी लिपि आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल नंबर 343 के अंदर दिया गया है। लेकिन अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे, आठवें शेड्यूल के अंदर टोटल आपको 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। अगला सवाल, आर्टिकल नंबर 250 जो है, सॉरी आर्टिकल कह रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो कितनी है? 250 आपको देखने को मिलती है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 80 में दिया गया है। संसद के लिए 79 है, राज्यसभा के लिए 80 है, लोकसभा के लिए 81 है। ओके, चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को करेक्टली किया होगा। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी सेशन को नहीं देख रहे हैं, तो आप उन तक भी इन सेशंस को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप आरओ एआरओ मतलब यूपीएसआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं हम कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। गुड नाइट टू ऑल।